أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم to all of you. Today student we are going to start our new chapter, chapter number 4 which is viruses, bacteria and cyanobacteria. As you can see that all are the microscopic organism. How can you define the microorganism? We have discussed in the very first lecture in which we were discussed about the microbiology. Microbiology is a branch of science that deals with the study of microorganism. And how can you define the microorganisms? The organisms which cannot be seen with our naked eyes. ऐसे तमाम छोटे small tiny organisms जिनको हम naked eye से नहीं देख सकते, they are called as microorganisms. And microorganism is a heterogeneous group of organism. It is a heterogeneous group of organism. Hetero means different and genus matlab different kinds, different types ke ka jo hai ek group hai microorganism jab hum isko as a group kehte hain. तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट, उसमें हमारे पास वायरसेस भी हैं, बैक्टीरिया भी है, साइनोबैक्टीरिया भी है, इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक एल्जीज भी हैं, फंगी भी हैं, ठीक है, प्रोटोजोन्स भी हैं. ये तमाम एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है जिसको हम कलेक्टिवली माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द वायरसेस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. वायरसेस आर the simplest, primitive or smallest particle जो है सबसे ज़्यादा इस simplest, primitive कहते हैं क्योंकि ये सबसे earliest है, लेकिन इसको discover बाद में किया गया है. उसको discover ये late होने की वजह क्या है, क्योंकि microscope discover नहीं हुआ था. और फिर ये they are ultra microscopic या इसको they are sub microscopic. वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक, यानी कि ये सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी वायरसेस को नहीं पढ़ा जा सकता, नहीं देखा जा सकता. दे कांट बी स्टडीड अंडर द सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है. लेकिन जब in 1935 वी हैव कंस्ट्रक्टेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नाउ वी आर एबल टू स्टडी द वायरसेस, ठीक है. जब हम इसके वर्ड की बात करते हैं, इसका वर्ड वायरस क्या है? द वर्ड वायरस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वायरन. लैटिन वर्ड वायरन विच मीन्स पॉइजन. द वर्ड वायरस कम्स फ्रॉम वायरन विच मीन्स पॉइजन. इसके थ्री जो इसके डेफिनेशन में आप क्या कर लिखेंगे, दे आर स्मॉलेस्ट, दे आर सब माइक्रोस्कोपिक एंड दे आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है. एंड इन 1800 साइंटिस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड मैनी डिजीजेस कॉज बाय द बैक्टीरिया, ठीक है. इन 1800 बहुत सारी डिजीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे साइंटिस्ट के फला डिजीज़ जो है वो इस बैक्टीरिया की वजह से हुई, लेकिन कुछ डिजीज़ जो ऐसी थी जिन्होंने उसको साइंटिस्ट को पज़ल किया, उनको परेशान किया, उनके समझ में नहीं आया कि ये किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है. सो इन 1892 आरेशियन साइंटिस्ट इवानोस्की discovered that a disease named as tobacco mosaic, tobacco mosaic disease, यानी कि ये टोबैको का प्लांट था, तंबाकू का पौधा था, और डिजीज़ क्या आती है, मोज़ेक. मोज़ेक किस तरह से होते हैं कि उसकी लीव्स के ऊपर
इस तरह से येलो पैचेस बन जाते हैं, जिस तरह मोज़ेक का फर्श देखा है पैचेस होते हैं कि बेस वाइट होती है उस पर डिफरेंट कलर के जो है वो चिप्स जले हुए होते हैं डिफरेंट कलरफुल, बिल्कुल इसी तरह मोज़ेक के जो डिजीज़ है उसमें क्या होता है कि लीफ ग्रीन कलर का है उसके ऊपर येलो येलो से पैचेस पड़ जाते हैं। इसकी अपियरेंस की वजह से इस डिज़ीज़ का नाम दिया गया है मोज़ेक। और प्लांट कौन सा था? टोबैको। इवानोस्की इन 1892 स्टडी द टोबैको मोज़ेक डिजीज इन द प्लांट एंड ही डिस्कवर्ड दैट दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय समथिंग स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। ये जो डिजीज है ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स की वजह से हुई है जो कि बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे हैं, दे आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। अभी उनको वायरस के बारे में नहीं पता था कि वो वायरस है और जो है उसका क्या नाम है। लेटर ऑन नेम्ड दैट पार्टिकल नेम्ड एज द टोबैको मोज़ेक वायरस। वो कब हुआ था? इन 1935 जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट कर लिया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन हो गई, then another scientist named as Wendell Stanley crystallized that infectious particle, ठीक है, जो कि टोबैको मोज़ेक डिजीज में जो इन्फेक्शियस पार्टिकल निकला था जो कि बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉलर था, ठीक है, उसको क्रिस्टलाइज किया किसने? वेंडल स्टैनले ने, एंड ही नेम्ड इट एज TMV। TMV मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस, द फर्स्ट वायरस वॉज डिस्कवर्ड नेम्ड एज टोबैको मोज़ेक वायरस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। एज आई टोल्ड यू वायरसेज आर स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव, ठीक है, एंड दे आर characteristics of virus. They are non-cellular. Non-cellular means they do not have proper cell. जिस तरह से plant cell और animal cell की हम बात करते हैं, they do not have proper cell. They are non-cellular structure. ठीक है? Then they are obligate parasite. They are obligate parasite. What is obligate? Obligate ऐसे तमाम organisms को कहते हैं जो कि दूसरे living body के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, मतलब कि उनको ज़िंदा रहने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए हमेशा एक होस्ट की ज़रूरत होती है जिसकी बॉडी के अंदर एंटर होके वो अपनी तादाद में इजाफा कर सकते हैं या अपनी एक्टिविटी, अपनी लाइफ को जो है वो ज़िंदा रख सकते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, विदाउट देयर होस्ट दे आर नॉन लिविंग, दे आर इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव हो जाते हैं, एक क्रिस्टल बन जाते हैं। देन the size of virus की अगर हम बात करते हैं तो size of virus varies from 20 nanometer to 250 nanometer, ठीक है, 20 nanometer to 250 nanometer तक इनका size हो सकता है। nanometer stands for 10 की power minus 9, ठीक है, nanometer का मतलब ये होता है। then there is total absence of sexual and asexual reproduction. इनमें sexual और asexual reproduction नहीं होती viruses में, तो they can replicate themselves. ठीक है, replication का मतलब होता है replicate, अपनी जैसी copy बनाना,
ठीक है, अपनी तादाद में ही किस तरह से इजाफा करते हैं। सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इनमें नहीं होती, बट दे कैन रेप्लिकेट कि अपनी तादाद में अपनी जैसी कॉपीज बनाते जाते हैं, तो इस तरह से ही अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। दे कंटेन डीएनए और आरएनए, ठीक है, एज अ हेरिडिटरी मटीरियल, एज अ हेरिडिटरी मटीरियल दे हैव डीएनए एंड आरएनए। देन देयर होस्ट में भी, देयर इनके जो है होस्ट की बुनियाद पे वायरसेस को कैरेक्टराइज किया जाता है। इफ़ देयर होस्ट इज प्लांट दे आर कॉल्ड एज प्लांट वायरस, और यू कैन से दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट द प्लांट, ऐसे तमाम वायरसेस जो कि प्लांट की बॉडी में प्लांट सेल के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ सर्वाइव करते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्लांट वायरस। द अदर इज एनिमल वायरस, दोज वायरसेज विच अफेक्ट विच एंटर इन द एनिमल बॉडी दे आर कॉल्ड एज एनिमल वायरस। एंड द थर्ड वन इज बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस जो कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रहता है, दैट वायरस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जो कि वायरस से ज़्यादा छोटा है, तो जाहिर सी बात है जो एक बैक्टीरिया की बॉडी है ये उससे छोटा है, तो नाउ इट कैन इजीली एंटर इन द बॉडी। बैक्टीरियोफेज वायरस द वायरस विच अफेक्ट या विच कैन एंटर विच लिव इन द बैक्टीरियल बॉडी, दैट वायरस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज वायरस। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, इट मे बी पॉलीहाइड्रल और टेडपोल टाइप और रॉड शेप, शेप ऑफ वायरस स्ट्रक्चर लिखेंगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जब हम शेप की बात करते हैं तो इट मे बी रॉड लाइक, इट मे बी पॉलीहाइड्रल, इट मे बी टेडपोल टाइप। जब इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे तो इट हैज़ अ प्रोटीन एनवेलप, इट हैज़ अ प्रोटीन एनवेलप विच इज कॉल्ड एज कैप्सिड। इनसाइड द कैप्सिड अ डीएनए और आरएनए इज प्रेजेंट which is the hereditary material. And what is hereditary material? Hereditary material are responsible to transfer the character from parents to offspring. ठीक है, पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है वो कौन ट्रांसफ़र करता है? डीएनए और आरएनए करते हैं। दे हैव डीएनए और आरएनए। दैट ये जो शेप आपको नज़र आ रहा है, हेक्सागोनल शेप, ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और इसकी बुनियाद पे वायरसेस को कैरेक्टराइज किया जाता है। नाउ द नेक रीजन, नाउ द नेक रीजन इज हेयर एंड एट द एंड टेल फाइबर्स आर प्रेजेंट फॉर अटैचमेंट टू द बैक्टीरियल बॉडी। This is the bacteriophage virus. That region is head region. That region is neck. And that is tail. ठीक है, जब हम capsid की बात करते हैं, that is called as capsid. It is made up of a protein. And that protein subunits are called as capsomers. That protein subunits are called as capsomers. Now the number of capsomers can be changed or may be vary from virus to virus. इस capsomers की तादाद जो है वो एक virus से दूसरे virus में vary करती है और इसकी बुनियाद पर viruses के different types होते हैं। ठीक है, it has a single helix, RNA or DNA. And in some viruses, not in all, in some viruses an additional accessory envelope is also present. ठीक है, ये हर वायरसेस में नहीं, हर वायरस में नहीं होता, किसी किसी में ये मौजूद होता है, that is virulent capsule.
वायरुलेंट कैप्सूल, वायरुलेंट मतलब ये नुकसानदह होता है, पॉइजनस होता है, इट कैन कॉज द डिजीज, इट कैन अफेक्ट द अदर लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे. वी विल डिस्कस इट मोर इन नेक्स्ट लेक्चर. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.